कारवा की स्पीक्स में आप सबका स्वागत है। कार्तिक के समापन पर देश भर में आज कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है, जिसे त्रिपुरी पूर्णिमा या त्रिपुरारी पूर्णिमा के रूप में भी माना जाता है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इसी दिन भगवान विष्णु ने पहला अवतार मत्स्य अवतार लिया था, इसलिए इस दिन मत्स्य अवतार जयंती भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का हिंदुओं, सिखों और जैनों के लिए बहुत महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा में तीर्थ स्थलों पर सूर्योदय के समय कार्तिक स्नान किया जाता है। भगवान विष्णु की फूल, धूप की छड़ और दीपक के साथ पूजा करते हैं। श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा पर उपवास रखते हैं, सत्यनारायण व्रत रखते हैं और सत्यनारायण कथा का पाठ करते हैं। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर दीयों का दान करने का बहुत महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा की कथा के अनुसार दानव त्रिपुरासुर ने देवताओं को हराया और पूरे विश्व पर विजय प्राप्त की थी। तब देवताओं ने भगवान शिव से संकट से छुटकारा दिलाने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने इस दिन त्रिपुरासुर का वध किया था। इसी तरह एक अन्य कथा के अनुसार यह वृंदा, जो कि तुलसी पौधे का मूर्त रूप है, के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का जन्म भी इसी दिन हुआ था। कार्तिक महीना के अंतिम 5 दिनों को अधिक पवित्र माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा सत्यनारायण स्वामी व्रत की कथा सुनने के लिए पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन शिव के लगभग सभी मंदिरों में एकादशी रुद्र अभिषेक किया जाता है। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर एकादश रुद्र अभिषेक करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।